राजधानी दिल्ली से दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। दिल्ली में बीती रात गोकुलपुरी में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। शनिवार सुबह मिली जानकारी के मुताबिक इस आग में झुलसने से 7 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। फायर डिपार्टमेंट को आधी रात सूचना मिली, जिसके बाद मौके पर 13 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। इस आग में 60 झोपड़ियां चपेट में आई। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घटना पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, सुबह सुबह ये दुखद समाचार सुनने को मिला, मैं स्वयं वहां जाकर पीड़ित लोगों से मिलूंगा। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के एडिशनल डीएसपी ने बताया है कि कल रात 1 बजे गोकुलपुरी के झुग्गी इलाके में आग लगने की सूचना मिली थी। जानकारी मिलते ही हम सभी उपकरणों के साथ मौके पर पहुंचे और दमकल विभाग को भी इससे अवगत कराया। इस घटना के बाद से ही पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। दमकल विभाग के कर्मचारियों के अलावा घटनास्थल पर भारी संख्या में दिल्ली पुलिस भी मौजूद है और पूरे क्षेत्र को घेर लिया गया। साथ ही शवों को भी पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। लोगों की बॉडी इतनी बुरी तरह जल चुकी थी कि ये भी पता करना मुश्किल हो गया था कि कौन सी लाश महिला की है और कौन सी पुरुष की। दिल्ली पुलिस इस आग लगने का कारणों का पता भी कर रही है। आईएनएस रिपोर्ट।